हम हैं नया IDN 7 हौसला है। राजधानी दिल्ली में अगर बढ़ते अपराध की बात करें तो ये कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन ऐसे में जब भी कोई अपराध घटता है तो सवाल ये उठता है कि पुलिस कहाँ थी, पुलिस क्या कर रही है। अब हम आपको दिल्ली से ऐसी एक खबर बताते हैं जहाँ पे पुलिस का कार्य वाकई में सराहनीय है। धौलाकुआ गैंगरेप कांड को रोका गया यहाँ पे पुलिस द्वारा। जी हाँ, कुछ ऐसी घटना घट सकती थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से अगवा लड़की को बचा लिया गया। ये घटना है दिल्ली के कांझावाला इलाके की, जब ट्यूशन पढ़ने जा रही एक लड़की को दो युवकों ने रेप की नीयत से अगवा किया और कार में खींच लिया, लेकिन पुलिस ने ऐन मौके पर पहुंचकर लड़की को बचा लिया। कंझावला थाने में खड़ी ये वही सेंट्रो कार है जिसमें दो युवकों ने सरेआम एक लड़की को जबरन खींच कर डाला और इसे लेकर भाग गए। लड़की की चीख पुकार सुनकर लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। अपनी लेट लतीफी के लिए मशहूर दिल्ली पुलिस इस बार काफी सतर्क दिखी। गांव वालों ने कार का नंबर दिया, पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को चेतावनी भी दी और हवाई फायर भी किया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। बाद में पुलिस ने टायर में गोली मारी और कार रुक गई। इसके बाद पुलिस ने दो युवकों को धर दबोचा। गाड़ी काले रंग की गई है और गाड़ी का नंबर जो था वो नंबर उनको बता दिया, उन्होंने पूछा था और फिर पूछने के बाद पुलिस वहाँ पे थोड़ी देर में आ गई थी और 15 से 20 मिनट बाद उन्होंने हमें बताया कि लड़की जो उन्होंने पकड़ लिया गाड़ी और सब लड़की सेफ है। अक्षय और नितिन नाम के दोनों आरोपियों की उम्र 20 साल के आसपास है और ये दोनों स्कूल से ड्रॉप आउट बताए जा रहे हैं। इन्होंने पूरी रेकी कर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस को शक है कि कहीं छात्रा अपनी मर्जी से तो नहीं गई, क्योंकि युवकों के पास से कोई हथियार नहीं मिले हैं। हालांकि लड़की के पिता इस बात से इनकार कर रहे हैं। वहाँ जो भी गांव वाले खड़े थे उन्होंने देखा, लड़की को जबरदस्ती पकड़ कर गाड़ी में डाला, उसके बाद लड़की के टांग हाथ पैर मुंह से बांध दिए। कितने लोग थे? दो या तीन के करीब थे। इस पूरे मामले की जाँच का नतीजा जो भी निकले, लेकिन 20 से 25 मिनट के इस अभियान ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। अनिल अत्री, दिल्ली, IBN 7।